गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई थी म्यूचुअल फंड का, विच इज़ नोन एज रिटायर सोशल सिक्योरिटी और पेंशन प्लान्स। आज मैं आपको सेकंड कैटेगरी बताऊंगा, विच इज़ नोन एज एम्प्लॉय स्पॉन्सर रिटायरमेंट प्लान्स। यानी कि जब आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़े पोजिशन पर काम करते हैं, तो आपकी जो कंपनी है वो आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट रेगुलरली डिडक्ट करती हर महीना, और वो जो अमाउंट है वो जाता है रिटायरमेंट प्लान्स में, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड प्लान्स में आपके लिए। तो ज़्यादा करके बड़ी कंपनीज में जो रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट होता है आपके सैलरी में से, वो ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म प्लान्स में इन्वेस्ट होता है। वहाँ पे टैक्सेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, और जैसे पेंशन प्लान में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको काम करता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको फिर जब आप रिटायर होते हैं, तो वो पूरा रिटायरमेंट का प्लान आपको, रिटायरमेंट का जो फंड है म्यूचुअल फंड में, जो आपने आपके कंपनी ने आपके सैलरी से इन्वेस्ट किया है, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी के साथ वो म्यूचुअल फंड भी आप रिडीम कर सकते हैं। तो जब भी आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो ये आपको ज़रूर देखना है कि आपकी कंपनी आपके लिए एम्प्लॉय स्पॉन्सर रिटायरमेंट प्लान्स प्रोवाइड कर रही है। अगर नहीं कर रही है, तो आपको इंडिविजुअली रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है। आने वाले वीडियोस में तीसरी कैटेगरी बताऊंगा रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में। थैंक यू।